नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। इस वक्त दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन ही कोरोना से लड़ने का एकमात्र हथियार है, जिससे कोरोना के खिलाफ जंग जीती जा सकती है। भारत में तेजी से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है और भारत दुनिया भर में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला देश बन चुका है। भारत के टीकाकरण ने अब तक 90 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन में 90 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। उन्होंने लिखा, शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, अटल जी ने जय विज्ञान जोड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय अनुसंधान का नारा दिया। आज अनुसंधान का परिणाम ये कोरोना वैक्सीन है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 69,33,838 वैक्सीन की डोज लगाई गई है। देश में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी। कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी की नजर है। देश में एक ओर जहां कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टीकाकरण का नया रिकॉर्ड भी बन रहा है। देश में अब तक केवल 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 24,354 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 234 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,37,91,061 हो गई। देश में अब तक कोरोना से 2,73,889 एक्टिव केस हैं, जबकि 3,30,68,599 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं अब तक कोरोना से 4,48,573 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।